उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा द्वारा किसानों की निर्मम हत्या के संबंध में मंगलवार को ब्लॉक कांग्रेस पठारी द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन पठारी तहसीलदार के रीडर अशोक कुमार जोशी को सौंपा गया। ज्ञापन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ऐसे सरकार को तत्काल बर्खास्त कर पीड़ित किसानों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ज्ञात हो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुर दौरे पर थे। किसानों के विरोध के चलते उनके साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू द्वारा किसानों को अपने वाहन से कुचला गया। इसमें 5 किसानों की मृत्यु हुई और 3 से 4 किसान गंभीर रूप से घायल हुए। विदिशा पठारी से आशीष सहले की रिपोर्ट। जी ने जो निर्दोष किसानों को जो धरना प्रदर्शन कर अपने अपने घर जा रहे थे उनको पीछे से अपनी स्वयं की गाड़ी से कुचल कर उन्हें मार डाला। उनकी गिरफ्तारी, उन पर केस दर्ज कर किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए हम लोगों ने ये आवेदन ज्ञापन आज तहसीलदार महोदय को राज्यपाल के पास में मतलब राष्ट्रपति महोदय के लिए भिजवाया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।